विद्यार्थी जीवन में प्राथमिक शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। विनम्रता, संयमित वाणी और समर्पित कार्य आपके चरित्र तथा व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। श्रीमती सीमा कुलकर्णी का सम्मान कर उन्हें शाला से विदा किया गया। विद्यार्थी जीवन में उनके दूसरे मार्गदर्शक प्राथमिक शिक्षक ही होते हैं तथा उन बच्चों के जीवन में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, पालकों, अपने सहकर्मियों तथा अधिकारियों के बीच विनम्रता, समित वाणी एवं समर्पित कार्यों से पहचाने जाते हों। आप विद्यार्थियों के साथ आपकी प्रतिबद्धता आपको आदर्श और श्रेष्ठ शिक्षक बनाती है। यह विचार शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटी खजरानी के संस्था प्रमुख श्री भगवती प्रसाद पंडित ने शाला में आयोजित शिक्षिका श्रीमती सीमा कुलकर्णी के शिक्षकीय सेवा के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पधारे SAF स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री अनिल गुप्ता ने भी उनके कार्य की प्रशंसा की। पूर्व प्रधान अध्यापिका सुश्री कृष्णा चौहान ने श्रीमती कुलकर्णी को आदर्श शिक्षक बताया। दोनों ने अपनी ओर से उन्हें उपहार भी दिए। इससे पूर्व माता सरस्वती का पूजन और वंदना की गई। श्रीमती कुलकर्णी का स्वागत विद्यालय के श्री रामलाल अलावा, श्री गोपाल मानकर, श्रीमती अर्पिता जयसवार, श्रीमती साधना कानूनगो, श्रीमती रश्मि एवं श्री चौहान, श्रीमती जागृति चांडक, श्रीमती खुशबू राणा ने किया। सभी ने अपने संस्मरण साझा करते हुए उन्हें शुभकामना प्रेषित की। इस अवसर पर श्रीमती कुलकर्णी के परिजन उपस्थित रहे। उनके पति श्री हर्षवर्धन कुलकर्णी, ननंद श्रीमती वंदना रिसोड़कर तथा पुत्र सार्थक कवि स्टाफ ने स्वागत किया। विद्यालय परिवार की ओर से प्रधान पाठक श्री भगवती प्रसाद पंडित ने श्रीमती सीमा कुलकर्णी को शाल, श्रीफल और कलम प्रदान कर सम्मानित किया। परिजनों और अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समारोह का गरिमामय संचालन श्री गोपाल मानकर ने किया तथा आभार श्रीमती अर्पिता जयसवाल ने माना। कार्यक्रम में वर्तमान तथा पूर्व छात्र छात्राएं, रहवासी, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश अरंडे भी उपस्थित रहे। सभी ने श्रीमती कुलकर्णी को अंत में शाला से सजल नेत्रों से विदा किया। मेरा जो साल रहा है लगभग 6 माह का रहा। 6 माह में मैंने आपको जितना जाना इसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि आपका जो सेवा काल रहा बेसाख रहा होगा। सभी लोग बहुत खुश रहे होंगे आपके कार्यक्रम में। चाहे आपके माता किसी ने कार्य किया हो या आपके साथ को सहकर्मी रहे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा था। और जैसे ही सुबह मैं मिलता था मैडम से, मैडम मुस्कुरा कर दूर से, मैं भी मराठी जानता हूँ, बोलते भी हम लोग घर में, मैडम भी मराठी में बात करती थी, ऐसा लगता घर का कोई सदस्य ही बात करता। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सर और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारी कुलकर्णी मैडम, इनका मेरा बहुत साथ रहा है। अब मुझे ये सबसे ज़्यादा अफसोस ये रहेगा कि मेरी यहाँ से गाड़ी खाली जाया करेगी, नहीं तो साथ में हम जाते थे, आते थे हर जगह, संकुल में, सबपुर हम साथ में जाते थे।
अब मुझे बहुत बुरा लगेगा कि अब मेरे को अकेले करना पड़ेगा। उपस्थित सभी गणमान्य विशेष अतिथिगण, कुलकर्ण मैडम, साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज कुलकर्णी मैडम के रिटायरमेंट दिवस पे हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रिटायरमेंट हमारे काम का अंत होता है, जीवन का अंत नहीं है, एक शुरुआत है हमारे जीवन को नई तरह से जीने के लिए, अपने लिए जीने के। तो मैं मैडम को शुभकामनाएं दूंगी और साथ ही ये बताना चाहूंगी कि कुलकर्णी मैडम हमारे विद्यालय की कल्प वृक्ष है जो हर एक बाग में नहीं खिलता, क्योंकि नए पते हैं कि बस्ती का हर बच्चा हर गली में जो माता पिता है, और शायद उनके भी माता पिता है, सब मैडम को जानते हैं और मैडम भी उनको जानते हैं। विद्यालय में ही आते रहते हैं, अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। भूख तो है क्योंकि हमारा सबसे लंबा साथ और यही कामना है कि मैडम स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और अपने जो बचे हुए कार्य हैं, घूमना फिरना सामाजिक कार्य है वो करे, आनंद से रहें। और ये स्कूल हमेशा के लिए उनका था, वो जब इच्छा करें लोग आए और बच्चों से मिले, हमसे मिले। हम इंदिरावासिनी के चरणों में सादर नमन। आदरणीय पंडित जी, परम गुरुदेव हमारे मानव मैडम और मैम अर्चिता मैम, हमारे साथी सर अलामा सर जवान मैम कुलकर्णी मैम, मैं यहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2019 में परम गुरुदेव हमारे पंडित जी सर के सानिध्य में मैं 5-6 महीने रहा और कुछ कारणवश में फिर गया, लेकिन मैं कुलकर्णी मैम के भी सानिध्य में आया। तो मुझे लगा एक माँ जैसा ममत्व है, एक सरल सहज, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कम बोलने वाली और आंखों से ज़्यादा बात करने वाली मैम, और सभी पर स्नेह रहा उनका। मैं 6 माह रहा और मुझे लगा कि जैसे मैं माँ की शरण में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कुलकर्णी मैम का व्यवहार और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आदरणीय मैम का जीवन बहुत अच्छा रहे, दीर्घायु हो और वो अपने सारे काम जो उनके रहे हैं वो पूरा करें। एक अंग्रेजी में कहावत है, मैम की बूट्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब आपका वो दिन आ गए हैं कि आपको सारे काम करना है, आपको सोना नहीं है, अभी एक आराम का वक्त नहीं, आपको घने जंगल से दूर इतने दूर जाना है, आपको आराम की जरूरत नहीं है, अब आपको लक्ष्य जो आपके हैं वो पूरा पहले करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पंडित जी और समस्त विद्यालय परिवार का बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे पहले सर ये हेल्पलाइन की मीटिंग ली 6 बजे को, अपनी मीटिंग से व्यस्तता से आगे आए तो दीपक वहाँ पर गया, तो 6:30 बजे उन्होंने ये नहीं कह दिया, मना कर दिया का बहुत बहुत आभारी धन्यवाद हूँ। मैं अतिथि नहीं हूँ सर, मैं आपका छोटा सा एक बालक हूँ, आप अतिथि मत बनाए, मैं दरबार में ही रहूँ वही अच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपके कल के प्रयास के लिए ही, और इस विद्यालय में दोबारा आप आए अतिथि बनकर, इसके लिए जिनका रिटायरमेंट है उन्होंने अपने जीवन का पैसा नहीं निकाला, और बच्चों के साथ साथ उनके पालकों से भी अच्छे से संबंध है, इनके बच्चों को भी अच्छे से इन्हें शिक्षा दिए, और उनके ये कामना कि आगे भी अपना जीवन व्यवस्था वो व्यतीत करें स्वस्थ रहे। सभी लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा साथ कहा है, सभी ने इनको सहयोग दिया है, ताकि तब भयन नहीं हो रखा है, अब पूरे सुना है सहयोग रहेगा, हाँ पूरे सुना है घर पर रहने का है, पहले बेफिक्र रहना पड़ा है, क्योंकि 17 महीने रिटायर हुआ और सब लोगों ने बहुत अच्छा से ध्यान रखा, मैडम लोग सब साथ ध्यान रखते रहे हैं, और शिक्षक
वंदना मैडम, और ये मैडम ने बताया, सर ने बताया कि राजीव जी की भाभी है, बहुत अच्छा लगा कि आए। आदरणीय सीमा मैडम, कृष्णा चौहान मैडम, और मेरे मित्र कहूँगा इनको, अजीत गुप्ता जी बहुत प्रेम करते हैं हमसे, वो आपने देख लिया की जगह पा लिया है, और अभी स्थान परमानेंट हो गया है इनका। पूरे हर कार्यक्रम का संचालन से लेके कोई भी काम होता है स्कूल का, तो ये सहयोग करते हैं। आदरणीय अर्पिता मैडम, कानूनगो मैडम, और मेरे अलावा सर, मेरे मित्र और मेरे साथ सब, तो मेरे स्टाफ के सभी सदस्य गण, मेरे बच्चे और मेरे छोटे भाई श्रीकांत जी, जो मेरे हर कार्यक्रम में आके जो है हमारा उष्मा मैडम का जो समारोह है वो छोटा सा मेरे हिसाब से हो रहा है। मैंने इनसे एक दिन कहा था कि कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे होगा प्रीतम लाल हुआ सभागृह में, क्योंकि 29 तारीख को हम एक कार्यक्रम वहाँ करने वाले थे, तो मेरा विचार था कि भाई इनका विदाई समारोह रखूँ, लेकिन वो किसी वर्ष कारणवश जो है वो कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन जब भी वो कार्यक्रम होगा तो मेरे गुरुदेव, आपने सब लोगों ने चित्र देखा है गुरुदेव का सानिध्य में, मैडम को भी सानिध्य मिले गुरुदेव का, और वो कार्यक्रम संभवतः 23-24-25 मई में करेंगे, अपन जिला शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे और पूरा मोहन के शिक्षा विभाग के सब अधिकारी रहने वाले।